प्रणाम गुरु जी, यूट्यूब के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। गुरु जी, एक मन में सवाल आया है कि अगर कोई स्त्री अपने पति से संतुष्ट ना हो तो क्या वो तलाक ले कि कोई और उपाय है? गुरु जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। स्वागत और अभिनंदन। बालक के अंदर ये सवाल आया है क्योंकि आजकल बहुत ऐसे केसेस समाज में निकल के आ रहे हैं, तो आखिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि असंतुष्टि क्यों आती है पत्नी को अपने पति से। उसके पीछे तीन चार मुख्य कारण हैं। पहला कारण है धन की कमी का होना, धन की कमी का होना जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है पत्नी की भावनाओं को ना समझना। वो कहना कुछ चाह रही है, आप कुछ समझ रहे हो, उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, तब भी पत्नी असंतुष्ट हो सकती है। उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। इसके साथ ही एक तीसरा कारण है, वो यह है कि फिजिकल रिलेशन संतोषजनक ना होना। पत्नी सेक्स करना चाह रही है लेकिन पति के शरीर में सामर्थ्य नहीं है, या वो अपने पेनिस से लिंग से कमज़ोर हो गया है, तो भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि पत्नी तलाक लेना चाहती हैं, या लेना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। एक चौथा कारण है कि जो बचपन की ज़्यादा सेक्सुअल लड़कियां होती हैं, जिनकी कच्ची उम्र में सील टूट जाती है, वो लड़कियां प्रायः अपने पति से संतुष्ट नहीं एक आदमी से हो पाती हैं, उनको बाहर वाले भी चाहिए। जगह जगह उनको सेक्स करने की इच्छा होती है, तृप्ति नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करें? तो अगर आपने देखा होगा, धन की कमी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे धनवानों की लड़कियां, बहनें या उनकी जो पत्नियां हैं वो ड्राइवर से सेट हो जाती हैं, ऑफिस वर्कर्स से सेट हो जाती हैं, और बहुत सारी नौकरों से सेट हो जाती हैं, माने धनवान होते हुए भी, और पति थोड़ा बहुत सेक्स करता भी हो तो। खैर, तो सबसे बड़ी है संतुष्टि और असंतुष्टि। यदि संसार का सबसे बड़ा जो सुख है धनवान होना नहीं है, पहलवान होना नहीं है, गृहस्थ जीवन में रूपवान होना ही काफ़ी नहीं है, केवल प्रेम की बातें करना ही काफ़ी नहीं होगा। सबसे बड़ा जो सुख है एक लंबा और गहरा सेक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। आत्मा को तृप्त कर देता है जब एक लंबा और गहरा सेक्स होता है, पत्नी खुश हो जाती है, और जब पत्नी खुश हो जाती है तो फिर आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलती है आपको अपनी पत्नी की। जो पत्नी अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, और लगातार नहीं कर पा रही है, और पति अपने पत्नी को नहीं कर पा रहा है, बरसों निकले जा रहे हैं, तो फिर मेरा इसमें सुझाव है कि किचकिच करने से, मारपीट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि अलग अलग हो जाओ। मैं इसलिए अलग अलग होने की बात कह रहा हूँ क्योंकि एक साथ रहोगे तो नरक जीवन में बना रहेगा, और तुम नरक भोगने नहीं आए हो इस संसार में, तुम स्वर्गीय का आनंद लेने आए हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा सुख जो है संभोग है, और आध्यात्मिक जीवन में जो है वो समाधि है। तो जब तक संभोग को सही से नहीं जी पाओगे गृहस्थ जीवन में रह करके भी, तो तुम निश्चित रूप से कभी भी समाधि के पात्र नहीं हो सकते हो। कितना भी मंदिर और मस्जिदों में जा जाके अपना पिछवाड़ा उठा उठा करके ना सर्कस कर लो, नौटंकी कर लो, यही मेरा सुझाव है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा, किचकिच करना, खुरापातें करना, उनसे अच्छा अलग अलग रास्ते कर लीजिए। ये जीवन रोने को नहीं मिला है, मुस्कराने को मिला है। और जब कभी अपने पार्टनर का चुनाव करें, केवल कुंडली दिखा के नहीं, उसका फिजिकल चेकअप भी की जानकारी भी होना चाहिए। ये शारीरिक रूप से जो है कितना सक्षम है, कहीं एड्स की बीमारी तो नहीं है, ये सब चेकअप होना चाहिए, है ना। आर्मी में लेते हैं, मिलिट्री में लेते हैं, तो पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, नहीं होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेडिकल भी होता है, रिटर्न थोड़ा बहुत होता है। सोल्जर वाली बात कह रहा हूँ, अधिकारी में तो रिटर्न भी तगड़ा होता है।
तो मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। जब शरीर में ही दम नहीं होगी, आदमी के हथियार में दम नहीं होगी, तो औरत के लिए मजबूत खूंटा चाहिए जिससे वो बंध के रहे, अन्यथा जीवन तुम्हारा नरक हो जाएगा। और मैं कहता हूँ पति पत्नी को अलग हो जाना चाहिए और कोई अपना नया जीवन साथी भावनात्मक दृष्टि से नहीं, इंटेलेक्चुअल दृष्टि से चूज़ करना। और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से सीटी स्कैन कर देते हैं आदमी के दिमाग के शारीरिक क्षमताओं का अपनी एनालिसिस के द्वारा, शायद आपको ये पता नहीं होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओम शांति, ओम क्रांति। एक जानकारी को बता दें, लंबी बैटिंग के लिए और समूह के गहरे सुख के लिए एक तूफ़ानी चूर्ण और सुपर तूफ़ानी चूर्ण भी बनवाया है हमने अपने वैद्य जी से। थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए सब लोग नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिए फ्री निःशुल्क बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, उनसे लाभ उठाएं। और साथ में ये जो हठयोग विद्या है उससे भी लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको 7 से 10 दिन हमारे पास समय देना होता है। ओके, ओके।